सुनो, एक सेकंड नहीं लगता मुझे, और मैं समझ जाता हूँ तू आप क्या बोलेगा और कैसे। अनाटोले फ्रांस ने कहा था एक बार कि इस देश में सबको आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, सबकी आजादी। आप कोई भी हो, आप चिन्मय मिश्रा भी हो और आप कोई चौकीदार भी हो, आप दोनों भूखे रह सकते हैं, फुटपाथ पे सो सकते हैं, बिना खाए रह सकते हैं, आप दोनों भूख से मर जाने के लिए भी आजाद। तो ये जो अभिव्यक्ति की आजादी और ये आजादी वो आजादी, एक बुर्जुआ एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत अलग तरीके से मिलती है। आप आए बात पे, जो हम लोगों ने तीन दिन बात की, मीडिया, बच्चे और असहिष्णुता, इसमें मीडिया पे बात हुई, काफ़ी बात हुई, असहिष्णुता पे बात हुई, काफ़ी बात हुई, बच्चों पे बात नहीं। एक पीयूष बवेले भाई का मैं सुन रहा हूँ और वही सेशन मेरा मिस हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से कि उनके अलावा और किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। चिन्मय ना, चिन्मय का और मतलब वही है, ज्यादा बात नहीं हुई बोला। दूसरे इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कौन है। दूसरे जो इन्होंने नहीं सुना वो हुआ नहीं, ज्यादा बात नहीं हुई। मैं जहाँ आ रहा था वो बात थोड़ी सी अलग थी कि बच्चों पर ज्यादा बात नहीं हूँ मैं, अब भी ये बात दोहरा रहा हूँ और पूरी ताकत से दोहरा रहा हूँ। और जबकि विकास संवाद का सबसे ज्यादा काम बच्चों पे, जबकि विकास संवाद की भुखमरी के जितने अध्ययन है, जबकि विकास संवाद के जितने मालन्यूट्रिशन के एनीमिया के अध्ययन है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि सचिन जैन खुद एक पर्चा पढ़ देते कि हमने ये देखा है इस जिले में, ये हालत है और मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा है। शिवपुरी से हम लोगों ने HRC से इंटरवेंशन किया है, बहुत सारे मामलों में सचिन भाई हम लोगों को रिपोर्ट भेजते हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि विकास की इस परिभाषा के बीच, जो विकास हमारे गले से उतारा जा रहा है, मैं खास विचारधारा का नहीं हूँ लेकिन आप लोग इतना विकास हो रहा है उसमें ये जो भुखमरी के डेटे हैं हमारे पास आंकड़े हैं, हम वो क्यों ना। दूसरी बात, मतलब वो एक ऐसा सेशन होना चाहिए कि जो भी तथ्य हो, मूल तथ्य जो भी विषय हो, उस पर एक फैक्ट शीट हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि आंकड़े अपनी भाषा खुद बोलते हैं। दूसरी बात, मैं सहमत हूँ और ये मुझे 3-4 साल से लग रहा है क्योंकि मुझे मज़ा आता है, लेकिन वक्ताओं का जो दोहराव है, और चूँकि वो वक्ता बहुत पुराने और लगभग वही हैं, हम लोग उनको ठीक से जानते हैं, मुझे सुनना पसंद है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि युवा साथियों को थोड़ा कई बार असहज लग सकता है। जिस देश में गांधी और नेहरू डिबेट से बाहर करने की साजिश चल रही हो, उसमें आप आचार्य नरेंद्र की बात करेंगे तो मुश्किल तो होगी भूले बिसरे लोगों की। तीसरी बात, और जो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी बात है, कि हम एक साल में मिलते हैं वो दूसरी बात, सोशल मीडिया की जो अपनी ताकत है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, यशवंत भाई ने कुछ लोगों के नाम लिए, हम लोग जैसे भी लोग हैं जो कुछ भी लिख देते हैं तो बहुत दूर तक बात जाती है। विकास संवाद एक पहलकदमी ऐसी क्यों ना ले कि वो अपना एक समूह बनाए, वो अपना एक पेज बनाए, जो उनके अध्ययन है उनका एक समराइज्ड फॉर्म, उनका एक सरलीकृत फॉर्म वो रखे कि देखिए शिवपुरी में बच्चों की ये हालत है, और उसको हम जैसे सारे लोग जिनका सोशल मीडिया पे ठीक ठाक प्रेजेंस है, हम उसको साझा करें, हम उस पर अपने अपने शहरों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोष्ठियाँ करें, उस तरह की चीज़ें। और एक और अंतिम बात, कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम 2-3 पैरेलल सेशन रखते हैं, अगर समय की जो थोड़ी कमी है, कि जिसकी जिसमें दिलचस्पी हो, कोई युवा साथी हो आप उनके साथ युवा साथियों का एक सेशन रख दें, उसमें आनंद प्रधान को एक लगा दीजिए कि वरिष्ठ को सुपरवाइज कर, या उस तरह का एक, कि अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है कि सबको मौका नहीं मिल रहा है तो हम 2-3 हिस्सों में बढ़ सकते हैं। चौथा और अंतिम सुझाव, अभी आज की जो डेट, मतलब आज की जो तारीख, जो मैंने पहले भी कहा था, ये सबको मौका देना बहस बहुत आगे जा चुकी है, क्या आप वही बात उनकी मीटिंग में जाके कह सकते हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं? आप लिंच कर दिए जाएंगे, आप लिंच कर दिए जाएंगे अगर आपने वहाँ पे जाके ऐतराज किया। और आपको ये समझना होगा और ये बात बहुत जोर से कहनी होगी कि सवाल मौका देना का नहीं, मौका देने का नहीं। आप यहाँ पर आते हैं, आप इतने सशक्त विरोध के साथ अपनी बात दर्ज करते हैं, आंकड़े कहानियां बोल रहे हैं, 1528 तो सैनिक मर गए, रेल हादसों में 1200 लोग मर गए, देश में बच्चे मरते जा रहे हैं, फिर भी आपको विकास दिख रहा है, पता नहीं कहाँ दिख रहा है। यहाँ पे पत्रकार दौड़ा के मारे जा रहे हैं, पत्रकार आके बता रहा है कि संपादक बता रहा है क्या लिखना है, ऑटो सेंसरशिप है, NDTV वो हो रहा है जो आपातकाल में नहीं हुआ, कि कोई भी सच बोलने का साहस कर रहा है, तो इनकम टैक्स की रेट पड़ रही, आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव का कैसा माहौल बना दिया गया। आज तक किसी भी सरकार ने चुनाव आयोग को इस तरह से धमकाया नहीं, 6 मंत्री ऐसे नहीं जाते, और 6 मंत्री जाके ऐसे नहीं कहते कि चुनाव आयोग कैसे कर देगा,
ये जो भाषा है इस देश में नहीं बोली गई, हमला संस्थाओं पे, और बहुत बुरा हमला है। अब तक जो हमले होते थे, अब तक लोगों ने संस्थाओं को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस बार संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही, और इसलिए बहुत जरूरी बनता है, बहुत लाजमी बनता है कि हम लोग अपना हस्तक्षेप दर्ज करें और बहुत सशक्त तरीके से। सबसे पहली बात सचिन भाई से वही अंतिम कि हम लोग ऐसे समूह बनाएं जहां पे अपनी बात, अपने तथ्य, अपने आंकड़े फैलाने की कोशिश करें। सचिन मैं ज़्यादा तो नहीं हूँ, धन्यवाद। आज घड़ी मैंने नहीं देखी है।